मैन्युफैक्चरर्स गाइड के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मेरी तरफ से यही कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए ऐसे नए बिजनेस आइडियाज लेकर आऊं जो आपने कभी ना देखे होंगे ना सुने होंगे, और आप वो उसे देखकर मार्केट में कर सको और मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बना सको। सो आज मैं आ गया हूँ भंडारा में सुजा खान सर से मिलने, जिन्होंने ये एक इनोवेटिव मशीन बनाई है जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च होने जा रही है। और ऐसे ही नए बिजनेस आइडियाज में मेरे चैनल के थ्रू लेकर आता हूं, तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि हमारे 30,000 लाइक्स का टारगेट पूरा हो जाए। तो आइए जानते हैं सुजा खान सर से कि क्या है ये लेटेस्ट इनोवेटिव मशीन और क्या है उनकी तरफ से बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो। हेलो सर। सर हमारे व्यूवर्स पूछते रहते हैं कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में हम बिजनेस शुरू कर सके और ऐसा कुछ कर सके जो कि जिसकी हाई डिमांड भी हो। सो क्या था रीजन ये लेटेस्ट इनोवेटिव मशीन बनाने के पीछे और हमारे व्यूवर्स के लिए क्या है बिजनेस अपॉर्चुनिटी? सर हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कुछ ऐसा बिजनेस लोगों के सामने प्रस्तुत करें या सामने रखें कि जिसका मार्केट में क्या कहते अपना डिमांड हो और कम क्या कहते अपना इन्वेस्टमेंट में बंदा उस कारोबार को चालू कर ले। अच्छा, जितने भी बड़े लोग हुए हैं उन्होंने कम से कम इन्वेस्टमेंट में अपनी शुरुआत की है, उसके बाद उन्होंने नई लंबी छलांग मारी है। राइट। बहुत से लोग हमारे पास में आए और उन्होंने कहा कि हमें इस इंडस्ट्री में क्या कहते अपना कदम रखना है लेकिन इसका इन्वेस्टमेंट बहुत है। ओके। तो इन्वेस्टमेंट में हम उतना क्या कहते अपना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। कितना इन्वेस्टमेंट? कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए में अगर आप इस इंडस्ट्री में क्या कहते अपना आना चाहते तो 2.5 से 3 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता था। राइट। तो हमने इसके ऊपर में रिसर्च करके एक ऐसी मशीन तैयार की है जिससे 15,000 रुपए के अंदर में क्या कहते अपना आप अपना कारोबार चालू कर सकते हो उस बड़ी इंडस्ट्री में। बड़ी इंडस्ट्री में घुसने के लिए 15,000 में हम लोग घुस सकते? हाँ बिल्कुल। इसका क्या कहते अपना यूज करके डेली आप आराम से 4 से 5 हज़ार रुपए डेली कमा सकते हैं। डेली कमा सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में सर हमें बताएंगे कि ये इनोवेटिव मशीन के बारे में कि कैसे प्रोडक्ट बनाना है, पूरा डेमो बताने वाले हैं, उसके बाद बताने वाले हैं कि कितना प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, कैसे मार्केटिंग करनी है, सारा डिटेल सर आज समझाने वाले। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए जिससे कि आपसे इस बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए सर बताइए फिर। बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहला प्रोसीजर बोले तो अपने को सबसे पहले मिनरल वाटर 7 लीटर पानी लेने का। अच्छा। मिनरल ही वाटर यूज करने का अपने को उसमें। अच्छा। फिर उसके बाद में 8 केजी शक्कर। 8 केजी शुगर। ये प्रपोर्शन एग्जैक्ट लगता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है? नहीं, प्रपोजर होना वो। फिर उसके बाद में अपने को सूखने के लिए मशीन डाल देने का। मिक्सर? जी हाँ। तो पहले शक्कर मिक्स कर लेना। हाँ, शक्कर मिक्स कर लेना। फिर लास्ट में इसका फ्लेवर आ जाएगा। पार्ट वन तुम्हारा एशियंस रहेगा। क्या ये एसेंस? एशियंस है। अपन अभी मैंगो बना रहे। अच्छा। और पार्ट टू रहेगा इसका पाउडर। ये किसका पाउडर होता है? मैंगो का ही पाउडर है ये। उसे अपन कोई भी फ्लेवर बना रहे तो पार्ट वन पार्ट टू रहेगा। अच्छा। इसके अंदर में। और कितने देर तक मिक्स करना है? इसको कम से कम 5 मिनट तक के। तो फ्रेंड्स ये अपना रेडी हो चुका है सिरप। ऐसे हम लोग कितना फ्लेवर बना सकते हैं इसमें? इसमें 8 फ्लेवर। अच्छा। 8 फ्लेवर्स है इसमें। ओके। अभी अपना फ्लेवर बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप जो है अपन इसको मशीन में डालेंगे। डालने की प्रोसीजर ऐसी है, एक लीटर अपने को सिरप लेना है।
ये ज़रूरी है। हाँ, इसमें कम ज़्यादा नहीं होने को है। अच्छा, 3 लीटर वाटर डालना अपने को, 1 लीटर सिरप और 3 लीटर वाटर। वाटर, अच्छा हो गया। एक ये प्रोपोर्शन फिक्स है? जी हाँ बिल्कुल, इसमें कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा ठीक है, और आपको पानी मिक्स करके उसे थोड़ा पतला बनाना है। जी हाँ, ये हो गया हमारा फ्लेवर, टैंक में भर गया। फिर उसके बाद में अपने को एक इसको घोल लेने का चम्मच, ताकि पानी और सिरप दोनों मिक्स अच्छी तरह से हो जाए। अभी अपन ने इसमें फ्लेवर डाल दिया है, अब ये पूरी तरह से रेडी हो चुकी है प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसमें अपन अभी बंद कर लेंगे इसको एयरटाइट। तो ये दोस्तों क्या कहते हैं, अपना नोजल है जिससे क्या कहते हैं अपना लिक्विड इसके अंदर में, ये पाउच के अंदर में फील होगा। ये बटन है जो आप प्रेस करोगे तो क्या कहते हैं अपना लिक्विड इस नोजल के थ्रू इस पाउच के अंदर में फील होगा। अच्छा, और इस नोजल के अंदर में यहाँ पर क्या कहते हैं अपना ये पाउच को क्या कहते हैं अपना आपको डालने का है, और डालने के बाद में जैसा ये यहाँ पर अभी इंटर होने के बाद में यहाँ आप पकड़ लीजिए, और ये बटन को जैसा आप प्रेस करोगे तो इसके अंदर से क्या कहते हैं अपना वो चालू हो जाएगा। हाँ जी, ये अभी क्या कहते हैं अपना पूरा 200 ml का पाउच क्या कहते हैं अपना फिल हो चुका है। उसके बाद में हम इसको यहाँ पर लॉक कर देंगे, सीलिंग मशीन से लॉक कर देंगे। ये ऑटोमेटिक मशीन है, लाइट बंद हो जाएगा। अब ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल होने के लिए रेडी है। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि एक साथ दो बंदे इस मशीन को क्या कहते हैं अपना ऑपरेट कर सकते हैं। ये दोनों पाउच क्या कहते हैं अपना एक साथ रेडी हो गए हैं, और इसको आप आसानी से क्या कहते हैं अपना यानी इसका बैलेंस भी है कि इसको ऐसा रख सकते हैं। अच्छा, बैलेंस बन जाता है ये पाउच क्या कहते हैं अपना कंप्लीट होने के बाद में। ओके, अब ये 100 ml का पाउच है, इसको भी भरने की प्रोसीजर सेम है जैसा हमने 200 ml वाला क्या कहते अपना पाउच फिल किया था। और जितना आप इसके अंदर में काम करोगे उतना इसका स्पीड बढ़ते जाएगा आपका। अब ये पाउच 100 ml का मार्केट में सेल होने के लिए रेडी है। तो सर अभी आपने डेमो तो दिखा दिया कि कैसे ये प्रोडक्ट बनते हैं। जी, फॉर एग्जांपल मैंने अभी मशीन भी खरीद ली। जी, तो अभी इसकी जो मार्केटिंग है ये दोनों बनने की लागत कितनी होती है, प्रॉफिट मार्जिन कितना रहेगा, वो कैसे करना है वो जरा बताइए। अभी जो आप मार्केट में अगर इसको सेल करने जाओगे तो किराना शॉप ही हो गया, बेकरी हो गया, होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, यहाँ पर इसको आप आसानी से सेल कर सकते हो। फिर उसके बाद में ये 200 ml का पाउच है, इसको आप मार्केट में आराम से 10 रुपये में सेल कर सकते हो। इसका कॉस्टिंग आपको क्या कहते हैं अपना 5.5 रुपये के आसपास पड़ेगा, विथ फ्लेवर। हाँ। शक्कर हो गया उसके अंदर में, कैपिंग हो गई, पैकिंग हो गया, सारी चीज़ें 5.5 रुपये के अंदर में ये पैकेट आपको 200 ml का क्या कहते अपना रेडी होगा। अच्छा, और ये जो पैकेट है ये मशीन में कितने बनते हैं ये दिन में? अगर दो बंदे कंटिन्यू काम करेंगे तो 3000 पाउच आप इस मशीन से रेडी कर सकते हो। अच्छा, और एक पाउच के पीछे कितना प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट आपको 4.5 रुपये प्रॉफिट रहेगा, लेकिन अगर आप इसको कस्टमर को क्या कहते अपना डायरेक्ट दे रहे हो तो 4.5 होगा, अगर आप डीलर शॉप पे या क्या कहते हैं दे रहे तो उसको 7 रुपये या 7.5 रुपये में भी अगर आप सेल दे रहे हो। हाँ, मुझे 2 रुपये प्रॉफिट भी रखा, 2 रुपये प्रॉफिट भी रख रहे हो तो आप आराम से क्या अपना इसके अंदर में 6000 रुपये दिन का कमा सकते हैं। अच्छा, और ये पाउच के बारे में बताइए थोड़ा। ये पाउच जो है सर 100 ml का है, और ये पाउच क्या अपना 4000 ये प्रोडक्ट करके देंगे मशीन, और इसके अंदर में भी आप क्या कहते हैं 4000 पाउच इसका दिन में क्या कहते हैं अपना वो कर सकते हो, बना सकते। हाँ, और ये 5 रुपये मार्केट में बिकेगा, इसको आपको शॉप में 3.5 रुपये अपने मार्केट के हिसाब से आप इसको सेल कर सकते हैं। अच्छा जी, मतलब 1-1.5 रुपये भी प्रॉफिट हम लोग रख सकते हैं। अगर 1 रुपये प्रॉफिट भी रखा तो भी 4000 हम लोग दिन का कमा सकते हैं। तो सर अभी आपने पूरा समझा दिया, अभी ये जो मशीन है वो कितने की है और आपकी तरफ से सपोर्ट क्या रहेगा? सर ये मशीन को कॉस्टिंग हमने रखा है कि क्या कहते हैं अपना 15000 रुपये,
और उसके साथ में आपको आ रहा है इसका एक डीसी वोल्टेज एम्पलीफायर है, उसके बाद एक सीलिंग मशीन है 3 mm की। अच्छा, और क्या बोलते अपना ये पाउचेस और फ्लेवर मुझे कहाँ से मिलेंगे? ये सर हम ही को क्या बोलते अपना आपको सेल करेंगे, आप ही प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, और ऑल ओवर इंडिया हम आपको क्या बोलते अपना पहुँचा कर देंगे। ओके, तो सर का नंबर मैंने स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है, तो आप इस बिजनेस के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये इनोवेटिव मशीन और ये प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताएं कि आपको ये इनोवेटिव प्रोडक्ट इनोवेटिव मशीन कैसी लगी। थैंक यू सो मच।